नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। एक नई शुरुआत। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए आरपीएन सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आरपीएन सिंह का इस्तीफा कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। भाजपा ज्वाइन करने पर उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए एक नई शुरुआत है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, यह मेरे लिए एक नई शुरुआत है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए तत्पर हूँ। आज ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा देते हुए लिखा था, आज जब पूरा राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है, मैं अपने राजनीतिक जीवन में नया अध्याय आरंभ कर रहा हूं। आरपीएन सिंह ने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आरपीएन सिंह का इस्तीफा कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। पूर्वी यूपी में कुशीनगर से ताल्लुक रखने वाले आरपीएन सिंह राज्य में कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक थे और सोमवार को जारी की गई पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम था। बताया जा रहा है कि भाजपा उन्हें उनके गढ़ पडरोना विधानसभा सीट से चुनाव लड़वा सकती है, जहां से सपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को उतारा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में योगी कैबिनेट छोड़कर सपा का दामन थामा है। आरपीएन सिंह पडरोना सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। वह साल 2009 में कुशीनगर से सांसद चुने गए, लेकिन 2014 में हार गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले 2 विधानसभा चुनाव में पडरोना सीट से जीत हासिल की है। पहले मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा पार्टी से और दूसरी बार भाजपा के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। 2009 के लोकसभा चुनाव में आरपीएन सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को हराया था। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।